इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रीमियर प्रो के अंदर एक प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम निवेद यादव है और मैं फाउंडर हूँ केबीएन कम्युनिकेशन का। इस चैनल पे हम वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड कई कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं और आपके लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रीमियर प्रो में एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है उस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली सभी फाइल्स को अच्छे से अरेंज करना। अब क्योंकि ये एक बिगिनर कोर्स है, इसलिए यहाँ पे मैं एक बिगिनर अपनी फाइल्स को इजीली कैसे मैनेज कर सकता है वह सिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर अपनी फाइल्स को सही मैनेज करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चालू करते हैं ये क्लास। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये ई ग्रेड की फुटेजेस है जिसको मेरे को एडिट करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा और इस मेन फोल्डर को नाम दूंगा ई ग्रेड। अब इस फोल्डर के अंदर हम कुछ सब फोल्डर्स बनाएंगे, लाइक रॉ वीडियो, देन एक नया फोल्डर बनाएंगे म्यूजिक, और एक फोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। अब हम रॉ वीडियोस के अंदर वो सभी वीडियो क्लिप्स और फोटोज रखेंगे जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। देन हम म्यूजिक के अंदर वो सभी म्यूजिक की फाइल्स रखेंगे जो कि हम इस प्रोजेक्ट को एडिट करते टाइम यूज करेंगे। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में हम उन सभी प्रोजेक्ट को सेव करेंगे जो कि हम प्रीमियर प्रो में एडिट करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फुटेजेस को हमारे रॉ वीडियोस वाले फोल्डर में ले आते हैं। आफ्टर दैट सर्च करते हैं प्रीमियर प्रो। अब प्रीमियर प्रो स्टार्ट होने के बाद हमें ये वेलकम विंडो मिल जाती है, जिसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हमें ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट का। जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके जस्ट नीचे हमें ऑप्शन मिलता है ओपन प्रोजेक्ट का, जिस पर क्लिक करके हम किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक रीसेंट का भी टैब मिल जाता है जो कि उन सभी प्रोजेक्ट्स को शो कर रहा है जो कि मैंने रिसेंटली एडिट किए थे। तो क्योंकि हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो लेट्स क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को नेम देंगे ई ग्रेट। आफ्टर दैट ये हमसे पूछ रहा है कि हम हमारे प्रोजेक्ट को किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, और क्योंकि इसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक फोल्डर हमारे मेन फोल्डर में बना दिया था, तो हम उसकी लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे एंड सिंपली प्रोजेक्ट इसी लोकेशन में सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जनरल, स्क्रैच डिस्क एंड इंजेस्ट सेटिंग। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल के अंदर हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है रेंडरिंग का। अब अगर आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, देन आपको ये पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, और ग्राफिक कार्ड होने की वजह से आपकी रेंडरिंग स्पीड बहुत ही तेज होगी, इसीलिए आप फास्ट रेंडरिंग के लिए पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल रहा है मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर एक ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है, तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपका जो सिस्टम है वो रेंडरिंग के लिए सिर्फ आपके प्रोसेसर की ही मदद लेगा, जिस वजह से आपके प्रोजेक्ट फाइल की रेंडरिंग थोड़ी स्लो होगी। आफ्टर दैट हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो डिस्प्ले फॉर्मेट, ऑडियो डिस्प्ले फॉर्मेट एंड कैप्चर फॉर्मेट। उसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है कलर मैनेजमेंट का, बट ये सभी ऑप्शंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और हम प्रोजेक्ट को एडिटिंग करते टाइम भी इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं ये सभी ऑप्शंस को स्किप कर रहा हूँ और इन्हें डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं स्क्रैच डिस्क की। अब इसके अंदर हमें 7 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑटो सेव की। अब प्रोजेक्ट ऑटो सेव का ऑप्शन लाइफ सेवियर है मोस्ट ऑफ द एडिटर्स के लिए, बिकॉज कई बार एडिटिंग करते टाइम हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, और अगर हमने उसके पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया है तो हमारे घंटों की एडिटिंग की मेहनत वेस्ट हो सकती है। इसीलिए हमें प्रीमियर प्रो के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सेव करके, जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को सेट कर सकते हैं, और उस टाइम पीरियड के बाद में प्रीमियर प्रो अपने आप ही उस प्रोजेक्ट को सेव करके एक अलग प्रोजेक्ट के फॉर्म में बना देता है। तो आप उस ऑटो सेव प्रोजेक्ट को किस जगह पर सेव करना चाहते हैं वो आप ब्राउज पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब क्योंकि मैं ऑटो सेव प्रोजेक्ट्स को भी अपने प्रोजेक्ट वाली लोकेशन पे ही सेव होने देता हूँ, इसलिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कैप्चर्ड ऑडियो और कैप्चर्ड वीडियो की। कई क्रिएटर्स अपने कैमरा को CPU से लेन के थ्रू कनेक्ट करने के बाद अपनी वीडियोज़ को और ऑडियोज़ को रियल टाइम पे कैप्चर करना चाहते हैं, जिसकी फाइल्स को सेव करने के लिए हमें यहाँ से लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वीडियो प्रीव्यूज़, ऑडियो प्रीव्यूज़, CC लाइब्रेरीज डाउनलोड्स, मोशन ग्राफिक टेम्पलेट मीडिया। ये चारों ही ऑप्शन मैं आने वाले कोर्स में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हम ये सारी सेटिंग्स एडिटिंग करते टाइम भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को अभी हम स्किप कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रहने देते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इंजेस्ट सेटिंग की, जिसको भी हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देंगे क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके, और एज यू कैन सी हमारे फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब प्रीमियर प्रो के ओपन होने के बाद हमें बहुत सारे टैब्स और ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इन्हें देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम आपको इन सभी टैब्स और ऑप्शंस के साथ में बहुत ही फैमिलियर बना देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। आने वाले टाइम में हम इस चैनल के ऊपर कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।